हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग पे। लास्ट नाइट क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल होने के बाद आज हम सूर्य निकलने से पहले ही प्रार्थना में शामिल हुए और प्रार्थना के बाद जैसे ही हम बाहर निकले सूर्य ने अपनी किरणों से हमें आशीर्वाद दिया, मानो जैसे सारे वातावरण में ऊर्जा सी फैल गई हो। सूरज लाल किरणें लिए हमें अपनी गोद में लेने के लिए प्रेम से आग्रह कर रहा था और हम सभी चिंताओं को भूल गए और अपने आप में ऊर्जा का अनुभव किया। आश्रम का वातावरण सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। आश्रम में एक यज्ञशाला है जहां समय समय पर पवित्र यज्ञ होते रहते हैं। देखिए इन सुंदर फूलों को, जैसे कि वे आपका स्वागत कर रहे हैं। अपनी सुंदर सुगंध और रंगों से आपके जीवन में रंग भर रहे हैं। हर कोने में और हर तरफ आश्रम ने हमें ऊर्जा से भर दिया। आश्रम के अंदर ही ऑर्गेनिक खेती भी होती है और यहाँ रहने वाले लोग यहाँ की ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद भी लेते हैं। और गाइस ये है यहाँ का शिव टेंपल और इसके सामने ही नंदी जी हैं। आश्रम के अंदर ही आपको मंदिर भी मिल जाएंगे जहाँ पे हम देवी देवताओं का आशीर्वाद ले सकते हैं। हमने भगवान शिव और नारायण का दर्शन किया और आदि गुरु शंकराचार्य से भी आशीर्वाद प्राप्त किया।
हमने क्रिसमस दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष पूजा में भाग लिया। इस आश्रम में सर्वधर्म समभाव का पालन होता है, हर धर्म का सम्मान किया जाता है। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम चित्रं देवानां उदगादनि कञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षगुं सूर्यपयामि। ओम गं गणपतये नमः। पूजा समाप्त होने के बाद और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम अपनी योग और ध्यान की कक्षाओं में चले गए और वहाँ हमने योग और ध्यान के बारे में सीखा। तो गाइस, ये हम बैठे हैं अभी लेक्चर हॉल में और यहाँ पे आज हमारा होगा फाउंडेशन कोर्स मेडिटेशन पे। तो अभी गुरुजी आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन की शुरुआत की जाती है और कैसे उसकी नींव रखी जाती है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मेडिटेशन और योगा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो गाइस, ये है स्वामी रामा हॉल और ये मेडिटेशन के लिए हॉल है। जब गेट से हम अंदर आएंगे तो अंदर आके ये जो मेरे पीछे है ये आपको मिलेगा इस आश्रम का ऑफिस और जो आपने बुकिंग कराई होगी वो यहीं से कंफर्म होगी। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, आपके आईडीज लिए जाएंगे और आपको रूम की दी जाएगी। और आप ये देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुली मेंटेन्ड है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। और ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल जहाँ पे हमें सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और रात में डिनर मिलता है और जो कि पूरी तरह से सात्विक होता है। आश्रम के अंदर स्वामी रामा के जीवन पर आधारित हमें एक मूवी भी दिखाई गई जिससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। और गाइस, यहाँ पे है गौशाला। कर्म योग भी आश्रम की दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा है जिसमें हम आश्रम के रख रखाव में अपना सहयोग देते हैं तथा अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों के सानिध्य में हम योग एवं ध्यान की क्लासेस भी लेते हैं। इस आश्रम में एक लाइब्रेरी एवं बुक स्टोर भी है।
तो गाइस आज है हमारा लास्ट डे इस आश्रम में। तो अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार आके गंगा जी में बिना डुबकी लगाए चले जाना ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो हमने पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाई और गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया और हमने गंगा मैया की आरती भी ली। और इन यादों को अपने में संजोए हम चल पड़े वापस दिल्ली की तरफ अपनी अपनी मंजिलों की ओर। क्या माएं वापस दिल्ली, वेलकम टू दिल्ली वाया नोएडा वाया मेरठ एक्सप्रेस वे। और दिल्ली भी कोहरे की सफेद चादर ओढ़े हमारा इंतजार कर रहा था। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।